गाइस, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज इस वीडियो में बात करेंगे ECS फ्रांस T10 2024 की जो सीरीज चल रही है, इसके आज के दिन के लास्ट और इस टूर्नामेंट के 15वें मैच के बारे में। ठीक है, मैच खेला जाएगा पेरिस नाइट राइडर्स वर्सेस CSPT स्क्रैलर्स के बीच। मैच की टाइमिंग है, मैच की टाइमिंग मिसिंग बाय मिस्टेक हो गई है। मैच की टाइमिंग इधर 9 बजे की है। ठीक है, ये लास्ट मैच है इसलिए 9 बजे मैच है। ठीक है, डेट देखे तो 17 अप्रैल 2024 आज ही की है। वेदर की बात करें तो वेदर क्लियर है, बारिश के कोई भी चांस नहीं है। वेन्यू देखे तो डायरेक्ट स्पोर्ट क्रिकेट क्लब डायरेक्ट में खेले जा रहा है इस टूर्नामेंट के सभी मैच, तो आज का इसी वेन्यू पर है। पिच रिपोर्ट की बात करें तो एक आर्टिफिशियल पिच है जिसके बिहेवियर में कुछ भी चेंज नहीं होता है, सेम रहती है बैटर और बॉलर के लिए, और बैटर और पेस बॉलर को यहाँ पर मदद है। एवरेज स्कोर की बात करें तो एवरेज स्कोर 130 से लेकर 140 तक बनता है इस वेन्यू पर। हाई स्कोरिंग वेन्यू, अच्छा खासा रन पड़ रहे हैं, तो आज अभी के मैच में भी उम्मीद है कि 130 से 140 के बीच बढ़ सकता है। ठीक है, वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें सीजन में तो लगभग 11 मैच हो चुके हैं। ठीक है, और जिसमें से 6 मैच जीते हैं बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने, 4 मैच जीते हैं सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने। ठीक है, वीडियो पूरा देखना ताकि आपको दोनों टीमों के बारे में सही से जानकारी हो जाए। एक टीम का मैच अभी लाइव चल रहा है, 7 बजे स्टार्ट हुआ है, लेकिन दूसरी टीम के आज के दिन के दोनों मैच कंप्लीट हो चुके हैं। तो वीडियो का आप पूरा देखोगे तो आपको सही में सभी चीज़ों के बारे में सही से जानकारी हो जाएगी। ठीक है, पहले बात करते हैं CSPT स्क्लर्स की, जिसने इस टूर्नामेंट में 2 मैच खेले हैं, 1 मैच जीती और 1 मैच इनकी टीम हारी है। इनों का अभी जस्ट मैच खत्म हुआ है, तो हमने उसका भी रिकॉर्ड आपके लिए लेके आए हैं, इसीलिए वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको सभी चीज़ के बारे में सही से जानकारी होगी। ठीक है, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, साथ ही बिना स्किप करे वीडियो देखना पड़ेगा आपको, तभी दोनों टीमों के बारे में सही से जानकारी प्राप्त कर पाओगे, क्योंकि दोनों ही टीमें नई है और आज के दिन में जितने भी मैच हुए सभी के हमने इनों के कवर करे हैं। ठीक है, पहले बात करते हैं इस टीम की, तो इसने 2 मैच खेले हैं जिसमें से 1 जीती है और 1 मैच इनकी टीम हारी है। फिर भी अच्छी खासी टीम है, इनों की तरफ से लास्ट मैच के प्लेइंग 11 के हिसाब से हमने प्लेयरों को सेट कर रखा है। ठीक है, हम जी इन प्लेयरों के ओवरऑल रिकॉर्ड बताएंगे जो भी इनके हमारे पास अवेलेबल है, साथ ही इस टूर्नामेंट में कैसी परफॉर्मेंस करी है वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, पहला प्लेयर है आकिब सांसद, जिसने 2 मैच में 59 रन बनाए इस टूर्नामेंट के, है ना। ओवरऑल रिकॉर्ड देखिए ODD का है, जिसमें 13 मैच में 377 रन, 9 विकेट है, यानी इस टूर्नामेंट में अच्छी खासी बैटिंग कर रहा है। साथ के साथ अपन टीम भी बनाते हुए चलेंगे ताकि आपको कोई भी सारे प्लेयरों के बारे में सही से जानकारी हो जाएगी, कौन से प्लेयर को किस कारण से पिक कराया अपन ने। ठीक है, इसके बाद है जाहिर हसन, जिसने इस टूर्नामेंट के 2 मैच में 19 रन बनाया, 2 ओवर की गेंदबाजी करी, 2 विकेट लिए, एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बॉलिंग करवा रहा है 1 ओवर की दोनों मैचों में, साथ ही ओपनिंग दोनों मैचों में करी है, इसलिए आप इसको इग्नोर मत करना। इसका सिलेक्शन लास्ट मैच में कम था, इस मैच में भी आप देख सकते हो मात्र 22% इसका सिलेक्शन, लेकिन इंपॉर्टेंट प्लेयर है और T10 में हमेशा ओपनिंग करने वाला, बॉलिंग करवाता है, तो आप कैप्टन वाइस कैप्टनसी भी दे सकते हैं, लोगों ने बल्कि इसको सेलेक्ट भी नहीं कराया। ठीक है, इसका ओवरऑल रिकॉर्ड देखे T20 का, 4 मैच में 25 रन, 1 ओवर 1 विकेट लिया, 10 ओवर की गेंदबाजी करवाते हुए। उसके बाद है वकास बसीर, जिसने 2 मैच में 68 रन बनाया, यानी अच्छी खासी परफॉर्मेंस कर रहा है। पिछले मैच में भले ही डाउन चले गया था, लेकिन पहले मैच में इसने अच्छी खासी 65 रन के करीब की पारी खेली थी, तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, विकेट कीपिंग सेक्शन में मिलेगा आपको, और सलेक्शन देखोगे तो 42% इसका सलेक्शन है। ठीक है, इसका ओवरऑल रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, 5 T20 मैच में 101 रन इसने बनाए। इसके बाद है सोएब बसीर, जो नंबर 4 पर बल्लेबाजी करके दे रहा है, और साथ ही आपको 2 ओवरों की कंफर्म गेंदबाजी प्रोवाइड करवाएगा, इंपॉर्टेंट प्लेयर है, कैप्टन वाइस कैप्टनसी भी आप इसको ट्राई कर सकते हो। इसका सिलेक्शन की बात करें, सिलेक्शन मात्र 26% है। ठीक है, भले अभी तक परफॉर्मेंस नहीं करी है, लेकिन नंबर 4 पर बल्लेबाजी कर रहा है, कंफर्म दोनों मैचों में इसने नंबर 4 पर बल्लेबाजी करी है, 2 ओवरों की गेंदबाजी करी है। ओवरऑल रिकॉर्ड देखे T20 का, जिसमें 3 मैच में 46 रन बनाए, 1 विकेट लिया, 5 ओवर की गेंदबाजी करवाते हुए। उसके बाद है जुलगरानिन मुनावर, ठीक है, जिसने 2 मैच में 48 रन बनाया, 3 ओवर की गेंदबाजी करी, 2 विकेट लिए, अच्छी स्ट्राइक रेट से बैटिंग करता है, और साथ ही आपको गेंदबाजी भी प्रोवाइड करवा रहा है, तो यह भी आपके लिए एक मस्ट पिक प्लेयर है, आपको कैप्टन वाइस कैप्टनसी भी आप इसको ट्राई कर सकते हो। सलेक्शन आप देखोगे तो 91% इसका सलेक्शन है। ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें तो T20 का रिकॉर्ड है इसका, 7 मैच में 122 रन बनाए थे, 24 के एवरेज से, 2 ओवर की गेंदबाजी करवाते हुए 2 विकेट लिए थे। पिछले कुछ मैचों में बॉलिंग कम थी, लेकिन इस टूर्नामेंट में बॉलिंग करवा रहा है, तो आपके लिए एक मस्ट पिक प्लेयर और बैटिंग से अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। इसके बाद है असाद महमूद, जिसने 2 मैच में 14 रन बनाया, 2 ओवर की गेंदबाजी करी, विकेट लेस गया, बैटिंग पोजीशन नीचे और बॉलिंग 1-1 ओवर की करवा रहा है, कन्फर्म 2 ओवर की करवाता तो इंपॉर्टेंट प्लेयर बनता अपने लिए, लेकिन बैटिंग और बॉलिंग करवा रहा नहीं है कन्फर्म, इसलिए अपन इसको ट्राई नहीं करेंगे। इसका रिकॉर्ड देखिए ODD का है, जिसमें 5 मैच में 228 रन बनाए, 7 विकेट लिए। उसके बाद है उमेर असगर, जिसने इस टूर्नामेंट के 2 मैच में 29 रन बनाए, 2 ओवर की गेंदबाजी करी, 2 विकेट लिए, दोनों मैचों में 1-1 ओवर की गेंदबाजी करी थी और दोनों ही मैचों में 1-1 विकेट लेके गया, तो इसका और असद महमूद का सेम टू सेम है, दोनों का बैटिंग पोजीशन नीचे और दोनों ने 1-1 ओवर की गेंदबाजी करी है।
लेकिन उमर असगर ने अच्छी गेंदबाजी करवाई थी और बल्लेबाजी से भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करा था इसने, अच्छी स्ट्राइक रेट से बैटिंग करी थी। तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, सिलेक्शन आप देखोगे तो मात्र 24% इसका सिलेक्शन है, ठीक है। इसका ODD का रिकॉर्ड है हमारे पास, एक मैच में एक रन है और एक विकेट लिया है इसने। इसके बाद है अमजद संधू जिसने 3 मैच में 32 रन बनाए ओवरऑल, और इस टूर्नामेंट में देखे तो 2 मैच में मात्र 4 रन बना पाया, बैटिंग का कुछ खासा मौका नहीं मिला है। इसके बाद है उस्मान मलिक, 2 मैच खेला इस टूर्नामेंट में, बैटिंग बॉलिंग का मौका नहीं मिला, ओवरऑल रिकॉर्ड 2 मैच में 1 विकेट है 3 ओवर की गेंदबाजी करवाते हुए T20 का। उसके बाद है इंसान यूसुफ जाई जिसने इस टूर्नामेंट के 2 मैच में 3 ओवर की गेंदबाजी करवाई, 1 विकेट लिया है। तो ट्राई कर सकते हो, ओवरऑल रिकॉर्ड इसका हमारे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं था, बॉलिंग करवा रहा है इस टूर्नामेंट में, तो ग्रैंड लीग की कुछ टीमों में ट्राई कर सकते हो। इसके बाद है जबर अली जिसने दोनों मैचों में 2-2 ओवरों की गेंदबाजी करी है, ओवरऑल रिकॉर्ड देखे 5 मैच में 5 विकेट लिए 25 ओवर की गेंदबाजी करवाते हुए, यानी एक मस्ट पिक प्लेयर है और आप इसको चाहो तो ट्राई कर सकते हो। इसका सिलेक्शन आप देखो तो सिलेक्शन मात्र 8% है, इससे ज़्यादा सिलेक्शन इरफान यूसुफ जाएगा, लेकिन ये क्या नाम है जबर अली का सिलेक्शन मात्र 5% है। इसने दोनों मैचों में 2-2 ओवर की गेंदबाजी करी है, इसलिए इंपॉर्टेंट प्लेयर ये है, ठीक है। तो अगर आप इसको ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो ग्रैंड लीग की कुछ टीमों में, ठीक है, हेड टू हेड में भी करोगे कोई दिक्कत की बात नहीं है। बेंच की बात करें, बेंच पर से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो उसके स्टेट्स हमने आपके सामने लिख रखे हैं, तो आप देख सकते हैं वीडियो को पोस्ट करके, और या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर हम प्रोवाइड करवाते हैं, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना ताकि आपको इस मैच से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाए। बात करते हैं दूसरी टीम की, पेरिस नाइट राइडर्स की, जिसने 1 मैच खेला है और 1 मैच इनका लाइव चल रहा है, ठीक है, इसलिए हमने अभी इसका रिकॉर्ड नहीं लिखा, लाइव वाले का कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। और जैसे मैच खत्म होएगा तो हम टेलीग्राम पर दे देते हैं, तीसरा मैच स्टार्ट होने से पहले आपको दोनों मैचों के रिकॉर्ड ढंग से पता पड़ जाएगी। पहले मैच का रिकॉर्ड आ गया अपने पास तो उसका हमने लिख के आपके लिए लेके आया, ठीक है। पेरिस नाइट राइडर्स की ये पिछला मैच अपना जीत के आई है, 1 मैच खेला जो इस टूर्नामेंट में पहला वाला उसमें जीत के आई है, जो पिछले मैच में बैटिंग ऑर्डर आया था उसके हिसाब से हमने प्लेयरों को सेट कर रखा है, इसीलिए वीडियो को पूरा देखना, इस टीम के बारे में आपको सही से जानकारी हो जाएगी। पहला प्लेयर था साजाद नसीम जिसने पहले मैच में 7 रन की पारी खेली, और इसका ओवरऑल रिकॉर्ड हमारे पास कुछ भी नहीं है। इसके बाद है मोहम्मद जावेद, पहले मैच में 5 रन की पारी खेली, तो दोनों ओपनरों में से किसी भी एक प्लेयर को आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि दोनों को ड्रॉप करो, किसी में आप मोहम्मद जावेद को ट्राई कर लेना, किसी में साजाद को, क्योंकि T10 में ओपनिंग करने वाला प्लेयर हमेशा से इंपॉर्टेंट रहता है, पहले मैच में परफॉर्मेंस नहीं करी, अगर आप दोनों को ड्रॉप करते हो तो सामने वाली टीम का जबर अली को आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अगर दोनों को ड्रॉप करोगे तो जबर अली को ले लेना, और जबर अली को आप ड्रॉप कर रहे हो तो दोनों में से ओपनरों में से किसी एक प्लेयर को ट्राई कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद है फैमन पेकी खान जिसने इस टूर्नामेंट के पहले मैच में 56 रन की पारी खेली, 1 ओवर की गेंदबाजी करवाई, विकेट लेस गया, इसको हमने वाइस कैप्टन दिया था लास्ट मैच में जब इसका पहला मैच हुआ था, इस टीम का परफॉर्मेंस देख सकते हो। ओवरऑल रिकॉर्ड देखे T20 का, जिसमें 2 मैच में 48 रन बनाए, 8 ओवर की गेंदबाजी करी, 2 विकेट लिए, अच्छा खासा रिकॉर्ड है। और पहले मैच में अपन ने वाइस कैप्टन दिया था, परफॉर्मेंस आपके सामने 106 पॉइंट इसने दिलाए थे, ठीक है। उसके बाद है इरफान तालुद जिसने पहले मैच में 0 पर आउट हो गया, कुछ खासा रिकॉर्ड भी हमारे पास इसके अवेलेबल नहीं है। इसके बाद है जावेद जदरान जिसने पहले मैच में 34 रन की अच्छी पारी खेली, 1 मैच का T20 का रिकॉर्ड था जिसमें 4 रन बनाए थे, ठीक है, बैटिंग पोजीशन नीचे है, नंबर 5 पर बल्लेबाजी कर रहा है, तो आप चाहो तो इस मैच में आप इसको ट्राई कर सकते हो, वरना रिमूव भी कर दो तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि बैटिंग पोजीशन इसका नीचे है। इसके सिलेक्शन की बात करें, जावेद जदरान का सिलेक्शन अपने को 10% देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद है वाली खान जिसने पहले मैच में 2 ओवर की गेंदबाजी करवाई, विकेट लेस गया लेकिन बॉलिंग करवा रहा, तो आप इसको ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। उसके बाद साकिल अहमद जिसने भी पहले मैच में 2 ओवर की गेंदबाजी करवाई, 1 विकेट लिया, ओवरऑल रिकॉर्ड इसका देखे तो 4 मैच में 12 ओवर 5 विकेट है और 42 रन बना है, ठीक है। तो इन वाली खान और साकिल अहमद में से किसी भी एक प्लेयर को ट्राई करना है, फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से मैं साकिल खान को ट्राई करना पसंद करूंगा, ठीक है। इसके बाद साकिल अहमद, इसके बाद अकबर शाह जिसने पहले मैच में 1 ओवर की गेंदबाजी करवाई, विकेट लेस गया, इसका ओवरऑल रिकॉर्ड कुछ भी नहीं है। इसके बाद गुल महमूद जिसने 1 ओवर की गेंदबाजी करवाई, 1 विकेट लिया, ओवरऑल रिकॉर्ड देखो तो 2 मैच में 32 रन है, 5 ओवर की गेंदबाजी है, 2 विकेट है T20 में, तो इसको भी आप ग्रैंड लीग की कुछ टीमों में ट्राई कर सकते हो। इसके बाद इमरान जावेद जिसने 1 मैच में 2 ओवर की गेंदबाजी करवाई, 1 विकेट लिया पहले मैच में, यानी तो अगर आप इसको ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। इसका सिलेक्शन देखोगे तो सिलेक्शन मात्र अपने को देखने को मिलेगा मात्र 8%, ठीक है। इसके बाद फेड्रोन केपलोक जिसने पहले मैच में 1 ओवर की गेंदबाजी करवाई, 1 ही विकेट मिला, ठीक है। इसका सिलेक्शन आप देखोगे 68% इसका सिलेक्शन है। ओवरऑल रिकॉर्ड देखोगे 5 मैच में 14 ओवर 7 विकेट है, तो ओवरऑल रिकॉर्ड इसका बढ़िया है T20 का, तो एक प्लेयर इसको ट्राई कर लेता है, ठीक है। बॉलिंग सेक्शन में जो भी प्लेयर अपन ने सेलेक्ट करे हैं ना, 3-4 जो भी है, इनों में से आप सभी को रोटेट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कोई भी फिक्स प्लेयर नहीं है बॉलिंग सेक्शन में, सभी बॉलिंग करवा रहे, तो आप रोटेशन चला के आप चेंज कर सकते हो। और जो ऑलराउंडर सेक्शन में अपन ने पिक करे हैं वो आप कंफर्म रख सकते हो, और विकेट कीपर और बैट्समैन को कंफर्म रख सकते हो, और बॉलिंग सेक्शन में से आप
रोटेशन चला के तीन में से कभी एक बॉलर को ले लो, कोई इन तीनों के अलावा कोई और दूसरे बॉलर को ले लो, ऐसे करके आप इसमें ग्रैंड लीग की टीमें क्रिएट कर सकते हो। इस मैच में कैप्टनसी की बात करें तो कैप्टनसी का इस मैच में बेस्ट ऑप्शन एफ है, एफ फहीम, ठीक है। क्यों? ये नंबर तीन पर बल्लेबाजी कर रहा, साथ ही दो ओवरों की गेंदबाजी करवा रहा है, तो इस मैच में कैप्टनसी आप इसी को रखना। इसके अलावा आप बनाना चाहो तो वाइस कैप्टनसी की दावेदारी बताऊं तो जेसन हसन, जेड हसन, एस बसीर, दोनों एक अच्छे ऑप्शन है। इसके अलावा लोग जैन मुनावर को बनाएंगे कैप्टन वाइस कैप्टन, लेकिन आप इसको मत बनाना। उसकी वजह यह है कि इसके बैटिंग पोजीशन नीचे है, वो बॉलिंग करवा रहा है तो कन्फर्म दो ओवरों की नहीं करवा रहा है, ठीक है। बैटिंग पोजीशन नीचे खाली विकेट ले जाए, बॉलिंग से कंट्रीब्यूट करने का चांस ज़्यादा रहेगा, इसलिए आप कैप्टन वाइस कैप्टन ऐसे प्लेयर पर बनाना जिसको पूरा मौका मिल रहा है T10 के अंदर, ठीक है। तो एफ को बना सकते हैं, एफ पेरिक्स खान को, और वाइस कैप्टन अपन जैड हसन या सोएब बसीर को बनाएंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए यह डेमो टीम आप सेव कर सकते हो, और यह डेमो टीम है, फाइनल टीम हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाई दी जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको इस टूर्नामेंट से रिलेटेड सारे वीडियो मिल जावे। इसके अलावा T10 की और भी कोई सीरीज चलती है तो हम सभी के वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा हो सकता है। साथ ही इस मैच से फाइनल अपडेट, बैटिंग ऑर्डर, प्लेइंग 11, कोई नया प्लेयर खेलेगा तो उसके स्टैट्स, और जो हमारी फाइनल टीम होती है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर हम प्रोवाइड करवाते हैं, इसलिए टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन होना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।